वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि हमारा 13 क्वेश्चन है। ठीक है, 13 क्वेश्चन है। इससे पहले हमने आपको 12 क्वेश्चन तक करा लिए। इसमें हम बात कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। इससे पहले हमने सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए। अगर आपने नहीं देखे तो पहले उनको देखिए, उसके बाद अगर आप उनको देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आंतरिक ऑर्बिटल ऊर्जा स्तर का प्रयोग करके दर्शाइए, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि N2 में, इसमें N2 में आपका त्रिबंध और F2 में एकल बंध तथा Ne2 में कोई आबंध नहीं होना चाहिए, ये आपको दिखाना है। ठीक है, कह रहा है कि जो नाइट्रोजन है उसके बीच में आपका कितना बंध होता है, त्रिबंध होता है, और फ्लोरीन के बीच में आपका कितना बंध होता है, एकल बंध होता है, लेकिन Ne2 के बीच में यानी कि इसके बीच में आपका कोई भी बंध नहीं होता है, यानी नहीं होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। किसके आधार पर, आण्विक ऑर्बिटल के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि जो नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है, इन सभी के आपको आण्विक कक्षक ऑर्बिटल बनाने होंगे। ठीक है, आण्विक कक्षक ऑर्बिटल बनाने होंगे। परमाणुओं के कक्षक मिलके जो नया ऑर्बिटल बनाते हैं उसे कहते हैं आण्विक कक्षक ऑर्बिटल, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनका बनाना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। जब बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लोगे तो आप बता दोगे कि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है, क्यों, ये आपको वहीं से पता लग जाएगा। चलिए हम देखते हैं। ठीक है, N2, F2 तथा Ne2 के आंतरिक ऑर्बिटल आरेख पूर्व में दिए गए हैं, यानी कि हमने पहले इनको पढ़ लिया अच्छे से। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उनको देख लीजिए, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है इनके आणविक ऑर्बिटल विन्यास क्रमशः निम्न है, इनके जो आणविक ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होंगे, निम्न प्रकार है, इनके दे रखे हैं, इसी के आधार पर हम बताएंगे कि इसमें किसमें डबल बॉन्ड होता है, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है और Ne2 में जो है एक भी बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नीचे दे रखे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 F2 एंड Ne2 हैज गिवन बिफोर, देयर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन इज गिवन एज फॉलो। ठीक है, जो आपका N2 है, F2 है और Ne2 है, इनका जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो पहले आपको बता दिया गया है। कह रहा है इनका जो ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन है वो निम्न प्रकार दे रखा है, तो इसी के आधार पर हम बताएंगे कि आपके N2 में और F2 में और Ne2 में कितने बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये कह रहा है त्रिबंध होता है, ये कह रहा है एकल बंध होता है, ये कह रहा है कोई भी बंध नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आणविक ऑर्बिटल भर लेना है, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्या लिखना है, विन्यास लिखना है। ठीक है, आणविक ऑर्बिटल विन्यास कुछ इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले स्पीसीज हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजन स्पीसीज की या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें। ठीक है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आणविक विन्यास भरोगे तो वो कैसे आ जाएगा, आपका सिग्मा वन एच टू, सिग्मा स्टार वन एच टू, सिग्मा टू एच टू, सिग्मा स्टार टू एच टू, फिर क्या आ जाएगा, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी एक्स टू, पाई टू पी वाई टू, पाई टू पी जेड टू, ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वो इस फार्मूला आपको फिर वही लगा देना है। ठीक है, एन बी माइनस एन ए अपॉन टू वाला, यहाँ से आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। तो एन बी की अगर हम बात करें, एन बी में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। ठीक है, ये कौन से होते हैं, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिनपे स्टार नहीं लगा रहता वो आपके होते हैं बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। तो गिन लो कितने आपके, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए और दो ये कितने हो गए, चार, और दो इलेक्ट्रॉन ये, छः और दो ये आपके, आठ और दो ये आपके, कितने हो गए, 10 हो गए आपके नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन जो नीचे रहते हैं एनर्जी लेवल से, कितने हो गए, 10। अब हम बात करें एंटी बॉन्डिंग के, जो एनर्जी लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं वो कितने आपके, जिन पे स्टार लगा रहता है, तो एक स्टार आपको यहाँ लगा है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए और एक स्टार ये, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, कितने हो गए, चार इलेक्ट्रॉन। तो चार इलेक्ट्रॉन आपके कैसे हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग के। ठीक है, जो ऊपर पहुंच जाते हैं एनर्जी लेवल से, तो आपको वही वाला फार्मूला लगा देना है, बी ओ वाला, बॉन्ड ऑर्डर वाला क्या हो जाता है आपका, एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। तो एन बी के कितने हो गए, 10 - 4/2, तो 10 - 4/2 कितना आ जाएगा आपका, 6/2। जब इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3। अतः हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आपका कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्पीसीज है हमारी F2 मॉलिक्यूल, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जब आप आण्विक कक्षक बनाओगे, आण्विक ऑर्बिटल बनाओगे, तो क्या हो जाएगा आपका, वन एच टू, सिग्मा वन एच टू, सिग्मा स्टार वन एच टू, टू एच टू, सिग्मा टू एच टू और सिग्मा स्टार टू एच टू।
उसके बाद पाई टू पी जेड स्क्वायर, पाई टू पी एक्स स्क्वायर, पाई टू पी वाई स्क्वायर, पाई पाई स्टार टू पी एक्स स्क्वायर, पाई स्टार टू पी वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा किसका? क्लोरीन का, ठीक है? किसका हो जाएगा? आपका क्लोरीन का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो एनवी वाले होंगे यानी कि बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, और एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, ये आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन जिन पे स्टार नहीं लगा रहता है, ठीक है? तो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाले कितने होंगे? दो आपके ये हो गए और दो आपके ये हो गए, चार और दो आपके ये हो गए, कितने हो गए? छह और दो आपके हो गए, आठ और दो आपके ये हो गए, दस, ठीक? तो दस हो गए आपके किसके? बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जिन पे स्टार लगा रहता है, या जो एनर्जी लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो स्टार इस पे लगा है, दो इलेक्ट्रॉन ये हुए, दो इलेक्ट्रॉन ये, चार और स्टार यहाँ पे लगा है, छह और स्टार एक आपका यहाँ लगा, कितने हो गए? आठ, ठीक है? दो चार छह और दो आठ, तो आठ आपके कैसे हो जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग के। तो आपको फिर वही फार्मूला लगा देना है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर आपका क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर बराबर एन बी माइनस एन। तो यहाँ पर एन बी माइनस एन बराबर कितना आ जाएगा? दो और बटे दो, तो दो से दो को काट दोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? एक। हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में आपका कितना बॉन्ड होता है? एक बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कह रहा है एनी टू स्पीसीज, ये हमें दे रखा है एनी टू, इसमें आपको बताना है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे, ठीक है, या इसका आणविक कक्षक आरेख जब खींचोगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका? सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा स्टार टू एस टू, सिग्मा टू पी जेड स्क्वायर, सिग्मा टू पी एक्स स्क्वायर और सिग्मा टू पी वाई स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा पाई स्टार टू पी एक्स टू, पाई स्टार टू पी वाई टू, सिग्मा स्टार टू पी एक्स टू, ये आपका आ गया इनका आणविक कक्षक, ठीक है, आर एक। इसमें अगर आप हम बात करें बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन के, तो कितने हो जाएंगे आपके? दो ये हो गए और दो ये हो गए, चार और दो ये हो गए, छह और दो ये हो गए आपके, आठ और दो ये हो गए आपके, कितने हो गए? दस हो गए। तो दस आपके कैसे हो जाएंगे? बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो स्टार वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके पास? तो ये हो जाएंगे, दो ये हो जाएंगे, कितने हो गए? चार और दो ये हो जाएंगे आपके, छह और दो ये हो जाएंगे, आठ और दो ये हो जाएंगे आपके, कितने हो गए? दस। यानी कि इसमें जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है वो दोनों कैसे हैं? बराबर है, ठीक है? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं इसमें दोनों में कैसे हैं? बराबर संख्या में। तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे बॉन्ड ऑर्डर बराबर है एन बी माइनस एन ए, तो कितना आ जाएगा? दस माइनस दस बटे कितना आ जाएगा आपका? जीरो। कितना आ जाएगा? जीरो। तो इसको भाग करो तो ये कितना आ जाएगा आंसर? जीरो। तो हम कह सकते हैं कि एन ई और एन ई के बीच में यहाँ पर आपका कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है? ये आपको बताना था किसके अनुसार? आण्विक कक्षक के अनुसार, ठीक है, आण्विक ऑर्बिटल के अनुसार। तो ये हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, होता है या नहीं होता है, कितना होता है। तो ये था, पता कह रहा है N2 में दो इलेक्ट्रॉन दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में एक त्रिबंध होता है, कितना होता है? N2 में दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में एक त्रिबंध होता है। F2 में दो फ्लोरीन परमाणुओं के बीच में आपका बीच में एक एकल बंध होता है, कैसा होता है? एक एकल बंध जो है आपको देखने को मिल जाता है। तथा Ne2 में Ne2 नहीं बनता, लेकिन Ne2 है जो है वो नहीं बनेगा जब इनके बीच में बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो ये Ne2 का मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा, ठीक है, ये इससे बंधेगा ही नहीं, तो ये नहीं बनता। अर्थात Ne2 में एनी परमाणुओं के बीच में कोई बंध नहीं होता, इनके बीच में आपको कोई बॉन्ड देखने को नहीं मिलता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। Ne2 के बीच में आपका कोई भी बॉन्ड नहीं बनता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आई होप कि समझ में आया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद में पास में लगे बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि सभी प्रकार के वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी वीडियो का, इस वीडियो का या इससे पहले जितने भी हमने वीडियो पढ़े हैं, जितने भी हमने लेक्चर बनाए हैं, उनमें से किसी का भी आपको अगर आपको PDF फॉर्म चाहिए, तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं PDF फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।